आसनसोल के फतेहपुर जीटी रोड में हुई बस दुर्घटना से अफरा तफरी मच गई। जीटी रोड पर ओवरटेक करने के चक्कर में दो बसों में हुई टक्कर। मिनी बस ने बिजली के खंभे को मारा धक्का। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रांसफार्मर लदा बिजली का खंभा उखड़ गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों बसें एक ही दिशा में जा रही थी। ओवरटेक करने के दौरान बस और मिनी बस के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद मिनी बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। दोनों बसें बराकर की ओर से आसनसोल की ओर आ रही थी। उसी दौरान ओवरटेक करने के प्रयास में बस ने मिनी बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाचिक पुकार मच गई। लोग दौड़ते हुए मौके पर आए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। इस हादसे के कारण जीटी रोड पर कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित हुआ। खबर पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अचानक बस ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से उसको मार दिया। बस मैंने तो यही देखा, क्योंकि मेरी आंखें तो बंद हो गई जब एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जी, कितने लोग घायल हुए ऐसे? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बस में था। मैं बस मुझे चोट लगी, मैं यहाँ लाके बैठ गया। मैं बता नहीं सकता कितने लोग घायल हुए। लगभग मैं कैसे बता सकता, फिर भी 10 लोग हुए होंगे। ये बस काफी रफ्तार में था क्या ये पीछे? मैं कैसे बताऊँ, लेकिन मैं मेरी आंखें बंद हो गई थी जब एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक्सीडेंट हुआ, मैं आसनसोल जा रहा था। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कुल्टी से आ रहा हूँ। आपका नाम? निर्मल पांडे। कितने बजे घटना है? कितने बजे घटना है? ये हुआ 8:45 करीब। क्या हुआ था? ये हम लोग फतेहपुर आते हैं, हम लोग यही इलाका आता है। तो हम लोग आए, देखे कि यहाँ पर बस दोनों टक्कर हो चुका था। बस में से कुछ पैसेंजर को हम लोग निकाले, कुछ को बड़ा वो थाना का आगे है, तो वो सब हम लोग हेल्प किए, थाना हॉस्पिटल ले गए सबको। और बहुत ही खराब घटना हुई है, तो आप लोग देखिए थोड़ा सा। 5-6 आदमी घायल है, एक जन पेट टूट गया, सिद्धरामपुर की लेडी है वो। स्टूडेंट लोग को भी चोट लगा है ना? स्टूडेंट को भी लगा है, लेडी लड़की को। कितना आदमी इंजर्ड हुआ? मिनिमम 6-7 आदमी इंजर्ड हुआ अभी तक हमारी जानकारी। बाकी हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल लेके हैं, सब हमारे साथ में है। कितने बजे हुआ था ये? 9:45 9:09 करना है। आपका नाम? चंदन ठाकुर। এটা গাড়িটা আসতে ছিল না, পরের বাসটা এসে নাই, পেছন থেকে থেকে ইয়ে করেছে না, মেরেছে ধাক্কা। তখন এই ড্রাইভারটা একদম ইয়ে ফুলে এসে মেরেছে, বাস ফাবড়া হয়ে পড়ে গেছে সবাই। তো পিছনে বাসটা স্পিডে ছিল নাকি? হ্যাঁ, স্পিডেই ছিল। কত লোক এমন ঘায়ল হয়েছে? ঘায়ল তো হয়েছে, আমি অতটা আমার নিজেই হোশ নাই, আমি বাবার মতন পড়ে আছে এদিকে, আর কে কে পড়েছিল তাদেরকে তো হসপিটাল নিয়ে গেল। মোবাইল ছিল, পাওয়া গেল না। আমার এই ভাতের টিফিনটা ছিল, তো ড্রাইভারের ইয়েতে গিয়েছিল না, হ্যান্ডেলের কাছে ছিল, আটকে গেল, সামনেই ছিল। কিছু হয়েছে ওইটাও বলতে পারছি না আমি, সবাই তো আনচান আনচান হয়ে গেছে, সবাই তো অবাব হয়ে গেছে। কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছিল? আমি নামতপুর থেকে আসছি, এই ইয়ে বিএনআর যেতাম। বিএনআর? আমার নাম নির্মলা ওরাং।